सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट में आके ऑल प्रोग्राम में आना है। ऑल प्रोग्राम में आके आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट, पावर पॉइंट आएगा। यहाँ पे आपने अपने इसके बाद एनिमेशन पे क्लिक करना है। एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन में आना है। गैस बिल पे डालना है, बिजली आएगी तो इधर से नहीं आएगा ना। हाँ चलेगा, इस मीटर नंबर से तो नहीं आता, ये कंज्यूमर नंबर है हमारे पास। हाँ, कंज्यूमर नंबर से निकल आएगा, बिजली उधर से पता लगेगी, लेकिन बिजली एक बजे आनी है। एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, उसके बाद एड एंट्रेंस। एंट्रेंस में आके मोर इफेक्ट, मोर इफेक्ट में आए, इसमें आके ये इफेक्ट चेक करना है। ठीक है, अब इसमें मैं लगा देता हूँ स्विश। ओके कर दिया। उसके बाद ऑन क्लिक की जगह आफ्टर प्रीवियस, फास्ट की जगह मीडियम, ये चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद फिर एड एंट्रेंस फ्लाई इन ऑन क्लिक आफ्टर प्रीवियस फ्रॉम बॉटम की जगह अभी भी चार्जर गिनाया। ऑन क्लिक का मतलब है क्लिक करने से कमांड अप्लाई। कितनी चार्जिंग ऑन क्लिक से जब क्लिक करेंगे तो कमांड अप्लाई होगी। आफ्टर विद प्रीवियस है पिछली कमांड के साथ अप्लाई होगी। आफ्टर प्रीवियस है पहली कमांड खत्म हो उसके बाद दूसरी कमांड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, क्लिक ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद F5 प्रेस करना है। अब इस पे क्लिक कर देते हैं। एनिमेशन में वेरी फास्ट की जगह लैपटॉप, वेरी फास्ट की जगह मीडियम फ्रॉम, उसके बाद हम कर देते हैं जी टॉप। अब इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके ऑल एट वंस की जगह बाय वर्ड करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड आएगा। इसी पे डबल क्लिक किया, इसी तरह वर्ड में डिले लाना है तो यहाँ डिले बढ़ा देंगे। तो इसी तरह फिर हम इसको बाय वर्ड की जगह बाय लेटर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बैकग्राउंड है, खाली इसको राइट क्लिक करना है। हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में सॉलिड फिल से सिर्फ एक ही कलर होगा। अगर इसी को हम ग्रेडियंट फिल करेंगे तो ग्रेडियंट फिल से ये शेड वाले डबल ट्रिपल शेड वाले कलर होंगे। इस पर क्लिक कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको सिलेक्ट करके होम पे क्लिक करें। इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये शेडो दे दिया। इसका कलर ये मैंने ये दे दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया। फिर इस पे आया, सारे को सिलेक्ट किया, इसको ये शेडो कर दिया। इसका कलर मैं कर देता हूँ ठीक। इसका फॉन्ट कोई और चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। और यार मैं तुम्हारे पर कुछ कुछ के मैं तेरा सवेर था मैं पूछा ही नहीं आप किस मासे लगी ना था मैं।
ठीक आ गया। फिर इस पे F5 से फुल स्क्रीन प्रीव्यू होगा, चल के दिखाएं। इसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, इसका नाम दे देना। इसको सेव कर दें, ठीक। इसको बंद कर देंगे। फिर दोबारा चलाना है तो आप या माय कंप्यूटर क्लिक करें, माय डॉक्यूमेंट में आ जाएं, इसके अंदर अपनी फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरा तरीका ओपन करने का, फाइल पे क्लिक करें, स्टार्ट, इसमें ऑफिस, ऑफिस में आके पावर पॉइंट ओपन करें, इसमें फाइल पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर रीसेट में आ जाएगा, ये ओपन करके चलाना है। सिंपल, आप F5। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि साथ साथ कंटिन्यूस चलता रहे। इसके बाद स्लाइड शो पे आ जाएं, स्लाइड शो पे आके सेटअप शो पे आ जाएं, सेटअप शो पे आके ऑल स्लाइड पे क्लिक करें, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका मतलब क्या होगा कि लगातार चलता रहेगा। दूसरा तरीका आना है, एनिमेशन में है, ये ऑन माउस क्लिक की जगह आफ्टर 2 सेकेंड कर दें और अप्लाई टू ऑल कर दें। अब इसके बाद F5 करेंगे तो ये कमांड लगातार चलती रहे, बंद नहीं होगा। जब तक हम एस्केप नहीं प्रेस करेंगे ये बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। अब इसको रोकना, आप एस्केप पे क्लिक करो, कंट्रोल एस से सेव कर दो, ठीक, कोई मसला।